रामायण के ऊपर आपने कई सारे किताबें और टीवी सीरियल देखे होंगे और कई लोग ऐसे जो रामायण के सच होने का सबूत मांगते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में रामायण के सच होने के कई सबूत देंगे जिसे देखकर आप भी बोलेंगे जय श्री राम। रामायण के सच होने का सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु, और जिस तरह के पत्थर राम सेतु को बनाने में इस्तेमाल किया गया था वो आज भी उस जगह पर मौजूद है। और जब लक्ष्मण जी लड़ाई करते समय घायल हो गए थे तब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लाए, और जिस तरह के जड़ी बूटी श्रीलंका में पाए जाते हैं उस तरह की जड़ी बूटी हिमालय के अलावा और कहीं नहीं पाए जाते। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण के सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था, और आज भी श्रीलंका में कई जगहों पर मिट्टी बिल्कुल काली है जबकि आसपास के मिट्टी का रंग काफी अलग है। और चौथा सबसे बड़ा सबूत है रावण का महल। वैज्ञानिकों को श्रीलंका में किला मिला है और कहा जाता है कि ये किला और किसी का नहीं बल्कि रावण का है। कहते कि जब बुरा वक्त आता है तो बताकर नहीं आता, ऐसा ही कुछ जापान के सैनिकों के साथ हुआ। ये बात 1945 की है जब जापान के हजार सैनिक रामणी आइलैंड पर कैंप लगाकर बैठे हुए थे। कुछ दिन बीतने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने जापानी सैनिकों पर हमला बोल दिया। चूंकि उस समय जापानी सैनिकों की संख्या कम थी इसीलिए वो लोग वहां से भागकर आइलैंड के और अंदर चले गए। ये इलाका पूरी तरह से दलदली था और यहां पर भारी संख्या में खारे पानी के मगरमच्छ रहते थे। दलदल के अंदर घुसे सैनिकों में से मात्र 20 सैनिक ही बचकर बाहर आ सके। बचे हुए 20 सैनिकों ने बताया कि उनके साथी को मगरमच्छों ने अपने जबड़ों फाड़ दिया और फिर उन्हें काट कर खा गए, और अभी भी रामणी आइलैंड पर खारे पानी के मगरमच्छों का राज बरकरार है। यहाँ किसी भी इंसान को जाने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि अभी भी मगरमच्छों द्वारा इंसानों पर हमले होते रहते हैं। क्या ये बात सच है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था? दरअसल हमें पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था और उससे पहले भारत को कोई जानता नहीं था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में वास्को डिगामा भारत को नहीं खोजा बल्कि उसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डिगामा के भारत आने से पहले भारत अफ्रीका और चाइना जैसे देशों से व्यापार करता था। दरअसल उस समय यूरोप में मसाले की डिमांड बहुत थी और यूरोप मसाले अरब से लेते थे और अरब देश भारत से, लेकिन अरब देश ये नहीं बताते कि उन्होंने ये मसाला भारत से मंगवाया है और यूरोप ये बात समझ चुका था। इसके बाद यूरोप द्वारा वास्को डिगामा को भेजा गया और वास्को डिगामा समुद्र से होते हुए भारत पहुंचा, और उसके बाद कह दिया गया कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, लेकिन हकीकत तो यह है कि वास्को डिगामा ने सिर्फ समुद्री रास्ते की खोज की थी ना कि भारत की।